guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is your girl Bree. और अभी सुबह सुबह का टाइम है और घर में थोड़ी सी ग्रोसरी चाहिए थी. सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जॉब पे जाने से पहले मेरे साथ जाएं कि हम थोड़ी चीज़ें ले आएं, क्योंकि फिर बाद में ये कि मैं जा ना पाती. तो अभी बहुत सुबह का टाइम है और काफ़ी सर्दी है. बहुत सुबह तो नहीं है, 10 हो रहे हैं, लेकिन स्टिल कोल्ड. और देखे 25 हुआ है टेम्परेचर. तो अभी जाते हैं हम लोग ग्रोसरी स्टोर पे. तो इंशाल्लाह शो यू गाइस कि मैंने वहाँ से आज क्या लिया है और फिर घर आके मुलाकात होती है. ठीक है, चले सी यू सून. गाइस चेक दिस आउट, ये मेरा बर्ड फीडर है और ये मैंने इन्हें कल पानी डाला था. And it's so cold here कि ये पानी बिल्कुल सही बर्फ बन चुका है, like it's hard बर्फ. कल वाली बर्फ मैंने वहाँ गिरा दी थी और वो अभी तक वैसी ही है. और ये भी बन चुका है. अभी मैं गर्म पानी लाऊँगी और फिर यहाँ पे इसमें डालूँगी, ये थोड़ी और हो जाए मेल्ट हो, क्योंकि बेचारी चिड़िया क्या करें इसमें से, क्या करें वो और चिड़िया. अच्छा जी गाइस, तो मैं घर आ गई थी पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने उस वक्त आपको वहाँ पर नहीं बता सकी कि मैंने क्या लिया है. और बाकी ये कि जब हम बाहर निकले तो हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि घर जाके कर लो जो भी करना है, क्योंकि उन्होंने जॉब पे भी जाना था. तो मैं बस क्विकली आपको ये हॉल दिखाने लगी हूँ कि क्या लाई हूँ मैं. योगर्ट्स ली हैं मैंने, फ्लेवर योगर्ट जो होते हैं, ये पीच के हैं दो, और एक है ब्लूबेरी का, और बाकी क्या है, रेसबेरी. ये रेसबेरी फ्लेवर इज़ द बेस्ट फ्लेवर, लाइक ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत मज़े का होता है. मैंने एक और रास्पबेरी फ्लेवर लिया है. ये योगर्ट इसलिए लिए कि स्नैक्स वगैरह के लिए समटाइम बंदे का दिल कर होता है कुछ खाने का, तो मैं फिर अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ कि हेल्थी कुछ खाया जाए, तो या फिर स्मूदीज वगैरह बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, मैं ये फ्लेवर योगर्ट डालती हूँ. तो ये योगर्ट घर पर हम ले आते होते हैं. उसके अलावा जी मिलाई हूँ बनाना मैं हमेशा थोड़े ग्रीन वाले लाती होती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में हमारे घर नहीं खाए जाते, हफ्ता पड़े रहते हैं, और जितना टाइम फिर ये पड़े रहते हैं उतने टाइम में ये ग्रीन भी हो ही जाते, आई मीन यू नो येलो भी हो ही जाते हैं. तो ये मिलाई हूँ बनानास, और फिर मैं ये लाई हूँ चेरीज. हमारे यहाँ यहाँ पे अभी चेरी का सीज़न तो नहीं है क्योंकि ये समर में होती है, लेकिन ये आई हुई थी एल डी में. बाई द वे ये सारा ग्रोस हॉल जो है यहाँ पे एक एल डी है, आई थिंक इंग्लैंड वगैरह में उसका नाम लीडल है, वहाँ से मिलाई हूँ. तो ये थोड़ी सी उधर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्योंकि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है. आई नो ये इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन और थी नहीं, यही थी. तो अल्लाह करे ये मज़े की निकले, मैंने ट्राई नहीं की, रुको ट्राई करती हूँ बल्कि धोई नहीं है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ. मज़े की है लेकिन खट्टी है, खट्टी है. अच्छा फिर ये लाई हूँ कैटल चिप्स के दो पैकेट लाई हूँ, सॉरी कैटल चिप्स के दो पैकेट लाई हूँ. ये हस्बैंड भी खाते हैं, मेरी बहन भी खाती है, मैं खुद भी खा लेती होती हूँ. अक्सर मूवी देख रहे हो या हम लोगों के पास मतलब पास्ता शास्ता बना हो तो साथ हम लोग थोड़े चिप्स खाते हैं, तो फिर ये मैं दो पैक ले आई, क्योंकि एक पड़ा रहे कि अगर एक आज कल खोल दीजिएगा तो. बाकी ये मैं ब्रेड लाई हूँ, वाइट ब्रेड हमारे घर में खाई जाती है. आई एम ट्राइंग के हम लोग वीट वगैरह लाएँ या लो कार्ब वाली कोई ब्रेड लाएँ, लेकिन मेरे अलावा किसी का भी दिल नहीं कर रहा कि हेल्दी रहे, और मैं भी 100% नहीं ले रही हूँ. तो बाहर आ रही है वाइट ब्रेड है, रेगुलर वाइट ब्रेड है, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है. ये ले आई हूँ नाश्ते के लिए, एवरी डे के लिए. तो अभी भी ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ब्रेड ही गर्म करूँगी. एंड देन जब ब्रेकफास्ट की बात, $2 के लगे हुए हैं, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी. मैंने कहा पता नहीं क्यों एकदम से ग्रोसरी की प्राइसें हाई हो गई हैं. आई मीन मसला तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी का शुक्र है कि बंदा ले सकता है, लेकिन यूं ही एकदम से प्राइस हाई हो जाती होती है तो बंदे को थोड़ा कंसर्न होता है कि क्या हो गया. जैसे दूध जो है पहले $2 का गैलन होता था, आज 4 का हुआ हुआ है. लेकिन यही है, अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं, खाना पीना तो है. ये जूस लाई हूँ अमरूद का और आम का मिक्स है, मेरा फेवरेट फ्रूट है आम तो और अमरूद दोनों, तो फिर यही हमने ले लिया था. तो ये भी ब्रेकफास्ट के लिए लाई हूँ. और ऑब्वियसली
चाय के लिए दूध, किसी और चीज़ के लिए दूध चाहिए हो या ना चाहिए हो, मुझे चाय के लिए दूध चाहिए होता है। आई थिंक मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यस दूध आ गया है चाय के लिए। तो बस यही थी आज की चीज़ें, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और एक तो बस यही थी आज की वीडियो, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं यहाँ पे बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ उन सब लोगों को जो नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब रिसेंटली किया है। अगर आप नए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आई वुड लव इट के आप यू नो मेरी रोज़ की वीडियो देखो। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर। आज सर्दी बहुत है और मैंने आपको चिड़ियों का पानी दिखाया था, वो फ्रीज़ हो चुका है, तो मैं जाके उन्हें पानी देती हूँ ताकि दिन नेकी से शुरू होगा तो आगे दिन अच्छा भी जाएगा। चले सही है, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।